हम विशाल जी से बात कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से अपना। विशाल जी, पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैंने मार्च महीने में आपसे बात हुई थी, आपने मुझे बताया था कि मेरा घर कब होगा और मेरी शादी कब होगी, तो मेरा घर भी पंडित जी आपने जैसे बताया था वैसे जुलाई महीने में मेरा घर भी हो गया और अभी फरवरी महीने में मेरी शादी भी अभी डिसाइड हुई है। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जैसे बताया था पंडित जी वैसे ही हुआ है। पंडित जी अभी मुझे मेरे विवाह को आगे अच्छे से रहने के लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा पंडित जी, मेरा भाई है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 26/1/1978, सवेरे 6 बजे उनका जन्म हुआ है, तो उनके क्या उनको काम करना चाहिए? ये आपके बड़े भाई हैं? हाँ ये मेरे बड़े भाई है। देखिए विशाल जी, आप अगर चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहे और आपके वैवाहिक जीवन में हर समय कुशलता बनी रहे, तो आपको मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाते रहना चाहिए और हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन पूजन करते रहना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आप अग्नि के सामने फेरे लेकर के पत्नी को अपने जीवन में अपनाएंगे, इसलिए पत्नी के संपूर्ण जीवन का उत्तरदायित्व तो आपके कंधे पर होगा। आप इस विश्वास को हर समय अपने मन में सजोए रखें, पत्नी आपसे अलग है ऐसी भावना कभी ना करें और उसके प्रति अपना रुख, अपना प्रेम का भाव हर समय बनाए रखें। जहाँ तक आपने अपने बड़े भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो विशाल जी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए उनका भाग्य अभी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। उनके भाग्य भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि ये 46 साल की उम्र हो जाने के बावजूद अभी किसी काम में मुस्तकिल नहीं है, अभी किसी काम में इनका सेटलमेंट नहीं हो पाया है। अगर ये 10 बार रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें और ये नियम कम से कम 100 दिनों के लिए बनाएं, तो निश्चित रूप से इन्हें आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और ये सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। हाँ एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि इनके दशम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है। दवाई पानी चांदी और कपड़ा, अगर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई काम करें तो उसमें इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। जय माँ विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। इंद्रा जी गाजियाबाद से स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। हेलो नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरा नाम इंद्रा है, मैं अपने बेटे हर्ष के लिए प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि है 28 जनवरी 1996, इलाहाबाद में पैदा हुआ है जी। सुबह 10:34 जी। मेरा प्रश्न ये है कि उनका विवाह कब होगा और कैसा जीवन साथी रहेगा? इंद्रा जी, अब आपके बेटे के विवाह का संयोग बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर दिसंबर 2025 तक आपके बेटे का सुंदर विवाह होगा, सुंदर बहू आएगी और बढ़िया दाम्पत्य जीवन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अच्छी बहू मिले ये भी एक भाग्य की बात होती है, पति से पत्नी की कुंडली मिल जाए तो अच्छी बात होती है, लेकिन होने वाली बहू से सास की कुंडली मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, बेटे से न करवा के ये उपाय आप करिएगा। 5 किलो बढ़िया चावल और 1 मोती की माला और 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, ये आप सोमवार के दिन स्नान करके किसी वेदपाठी को दान कर दीजिए। आप देखिए आपको इतनी सुंदर बहू मिलेगी कि आपको बहू में ही बेटी नज़र आएगी और सचमुच में वो आपके दिल को जीत लेगी। जो लोग मोती दान करते हैं उन्हें सचमुच में बहुत सुयोग्य बहू मिलती है और उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए अच्छी बहू पाने के लिए, अच्छा पोता पोती पाने के लिए मोती दान करना चाहिए। मोती दान करने से सचमुच में भगवान भाग्य बदल देते हैं। तो आप 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा और 1 मोती की ओरिजिनल माला किसी वेदपाठी को सोमवार को स्नान करके दान करिए, आपके बेटे का विवाह भी होगा और बहू भी अच्छी मिलेगी। पहले जो दर्शक हैं उनसे बात कर लेते हैं। राधे श्याम जी महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम, मैं राधे श्याम बात कर रहा हूँ जी।
सर मेरा बर्थ डेट है 31 दिसंबर 1981 जी, और मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता करना है सर। बर्थ टाइम है 11:45 ठीक है पीएम ठीक है। अब दो पुत्र हैं, थोड़ा उनके बारे में भी बता दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? दो पुत्र है सर मेरे, दो लड़के, उनके फ्यूचर के लिए। चलिए मैं पहले सबसे आपके फ्यूचर के बारे में बताना चाहूंगा। मंगल का बृहस्पति के साथ तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। आपका जो समय व्यतीत हो रहा है या जो अभी वर्तमान समय है आपका, ये ठीक है, और आगे आने वाला समय आपका बहुत ठीक होने वाला है। लेकिन बहुत ठीक होने में अप्रैल 2026 तक का समय लगेगा। अभी आप 43 साल के हुए हैं, 45वां साल पूरा होते होते आपका संपूर्ण भाग्योदय हो जाएगा, और ये भाग्योदय आपका अगले 16 सालों तक बरकरार रहेगा। जहाँ तक आपने अपने बेटों के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र, उससे द्वितीय सप्तमेश मंगल, और मंगल का बृहस्पति, बड़े वाले बेटे का भविष्य बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक छोटे बेटे के भविष्य का प्रश्न है, तो शनि और बुध दोनों का चतुर्थ दशम दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है, बृहस्पति से इत्तेसाल नहीं हो रहा है। छोटे बेटे के भविष्य के लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, इसे टेक्निकल पढ़ाई पढ़ाइएगा, इसे इंजीनियरिंग के फील्ड में या तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाइएगा, और हो सके तो इसे अभी इसके मन में हनुमान जी की उपासना का अंकुर डालिएगा। अगर ये हनुमान जी की उपासना करता रहेगा, फिर इसको जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करें। उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताकर पंडित जी से सवाल करें। पंडित जी प्रणाम, मैं रमाशंकर पांडे लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए पांडे जी। सर बेटा हमारा 95 का है, अगस्त 95 का जी। और वो अभी प्रशासनिक और जुडिशरी दोनों सेवाओं के सतत प्रयास कर रहा, परीक्षा दे रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही। पांडे जी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि प्रश्न लग्न से और आजीविका भाव का स्वामी मंगल दोनों का सदाष्टक योग है। ऐसे में मार्च 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में कहीं इसे सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपका बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता चाहता है, तो इसे नित्य सायंकाल के बाद हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ 100 दिनों तक लगातार करना चाहिए, क्योंकि इसकी ग्रह स्थिति काफ़ी कमजोर है। मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से विषयों का मन में बैठ जाना होता है, उस चीज़ का अभाव है। इसलिए अगर ये सुंदरकांड का 100 दिनों तक पाठ लगातार कर लें, तो निश्चित रूप से हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्यम हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, तो हनुमान जी की कृपा से इन्हें अपने आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। जय माँ विंध्यवासिनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में, अपना नाम बताकर प्रश्न करें। मोहित जी, जय माँ विंध्यवासिनी। भरत छिरके बोल रहा हूँ, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से। जी जी बोलिए भरत जी। मेरी जन्म तारीख है 23 फरवरी 1982, शाम 8:11 का जन्म है। जी बोलिए बोलिए भरत जी। चलिए भरत जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम चाहेंगे आप दोबारा कॉल करके पंडित जी से बात करें। तब तक मोहित जी से बात कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न कीजिए मोहित जी। चलिए अभी उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और मोहित जी आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, आप दोबारा फ़ोन करके पंडित जी से बात कीजिए। अगर आपका फ़ोन अब तक कालचक्र में नहीं लगा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र लेकर हाजिर हुए हैं। इसीलिए कालचक्र में आज पंडित जी सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप सभी के प्यार, विश्वास और भारी मांग के चलते आज हम आपके लिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र लेकर आए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको अपनी हर मुश्किल का आसान तरीका और रास्ता। तो लगातार
करें हमें आप फोन, लगातार कॉल्स करते रहें और पाएं अपनी प्रॉब्लम्स का इजी सॉल्यूशन, जो पंडित जी आपको बहुत सरल उपायों के साथ बताते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका गुड लक आपसे सिर्फ एक कॉल दूर हो। चलिए सीधे अब एक और कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ लकी कॉलर हैं जुड़ गए हैं, महेश जी महाराष्ट्र से, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए महेश जी। प्रणाम महाराज। हाँ सदा सुखी रहे महेश जी। हाँ 26/9/2007 का जन्म है, 14:45 2:45 दोपहर को, महाराष्ट्र दुलिया। क्या जानना चाहते हैं? लड़की है मेरी, उसका भविष्य जानना चाहता है, उसका आगे का पढ़ाई कैसे रहेगी, विवाह कैसा रहेगा, और मेरी जन्म तारीख है 21/4/1975 सवेरे 8:45 महाराष्ट्र दुलिया। चलिए पहले तो आपके ही बारे में बता दूं, अब आप 49 साल के होने जा रहे हैं, आपका भाग्येश बृहस्पति है, लग्नेश मंगल है, दोनों की तृतीय एकादश की स्थिति है, आप अपने जीवन में सामान्य रूप से सफल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, सामान्य स्थिति में सफल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता और मिले, दिन रात आप सफलता के शिखर पर पहुँचते रहें, तो आपको रोज़ भगवान श्री राम या कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, राम दरबार का चित्र लगा करके नित्य पूजा पाठ में बैठना चाहिए, और नित्य भगवान के पूजा पाठ के साथ साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और आपको चाहिए कि आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में जरूर लगाएं, और जिसकी पूजा आपकी धर्मपत्नी किया करें, तुलसी के पेड़ के नीचे हर रोज़ शाम को घी का दिया जलाया करें, इससे आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। जहाँ तक आपने महेश जी अपने बेटी के लिए प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में, अभी इसको कभी कभी पेट से संबंधित समस्या होती है, पेट से संबंधित इसको प्रॉब्लम होती है। अब ये 17 साल की हो रही है, इसके पेट से संबंधित समस्या है, और ये समस्या इसको डाइजेशन से भी संबंधित हो सकती है। पढ़ाई की जहाँ तक बात करें, इसके एजुकेशन की जहाँ तक बात करें, तो पंचम भाव का स्वामी मंगल है, और उससे दशम भाव का स्वामी जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बुध है। इसको अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई कराएं और आगे बैंकिंग के क्षेत्र में ये प्रयास करें, तो इसे सरकारी नौकरी भी मिल सकती है और अच्छी आजीविका भी हो सकती है। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारी बातचीत लगातार जारी है, आपसे सिंह राशि की हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तेलंगाना से कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। काजल जी स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जय माता जी। पंडित जी। जय माता जी। बेटा मेरे बच्चों के बारे में जानना है। जी बेटा है 2005 जून 29 जी, और बेटी है 3 फरवरी 2007 जी, उसका भविष्य जानना है। बेटे के भविष्य के बारे में तो ये कह सकता हूँ कि मंगल का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल है, बेटे के लिए 1% भी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ इसकी सेहत ठीक रहे, कभी इसको सिर दर्द की समस्या ना हो, ऐसे में अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध कर कुछ दिनों के लिए अगर मंगलवार को इसके गले में डाल दें, तो निश्चित रूप से इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बाकी ये अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझने लायक है और धीर गंभीर है, अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करेगा। अब जहाँ तक आपने काजल अपनी बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उस विषय में बताऊँ कि ये तो बहुत एक्टिव लड़की है और भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसको बार बार एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, कोल्ड एलर्जी इसको बार बार होती है, जिसके कारण इसकी सेहत नाजुक बनी रहती है। आपको चाहिए कि आप इसे 5 पत्ते तुलसी के पानी के साथ सुबह सुबह सेवन करवाया करिए, जिससे इसकी सेहत ठीक रहा करे। और हाँ दूसरी बात ये कि इसके दशम भाव का स्वामी बुध है, ये शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में
बहुत अच्छी सफलता ले सकती है। इसको इन्हीं क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य बुध की युति इसे कानून की पढ़ाई के तरफ भी अग्रसर करता है। अगर ये कानून की पढ़ाई भी करे तो उसमें भी इसका भविष्य अच्छा होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।